नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। दतिया के भांडेर में फिर एक बार पुलिस की शर्मनाक करतूत सामने आई है। पुलिस कर्मियों ने ठेला लगाकर समोसा कचौड़ी बेचने वालों को सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उसने पुलिस कर्मियों को सम्मान देने में देर कर दी। अब दुकानदार का परिवार उसे बचाने आया तो पुलिस कर्मियों ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा और उन पर भी जमकर लाठियां भांजी। एसपी ऑफिस में खड़े ये लोग पुलिस की बर्बरता का जीत जगाता उदाहरण है। वर्दी की गर्मी में पुलिस ने उन्हें सड़क पर करीब 2 घंटे तक पीटा लेकिन उन्हें बचाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। पीड़ित दुकानदार मोहित ने बताया कि वो समोसे कचौरी की दुकान लगाता है। घटना वाले दिन भांडेर में पदस्थ दरोगा अजय से उसका विवाद हुआ था जिसके बाद दरोगा अजय ने पुलिस फोर्स बुलाकर उसे परिवार समेत बेरहमी से पीटा। हमारा गुनाह सिर्फ चाहिए कि हम दुकानदार हैं, मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, ईमानदारी से जिंदगी गुजारे, सिर्फ जो ही गुनाह हमारा। हम लोगों के 151 तक की कार्रवाई नहीं है आज तक पूरे घर की। मेरे पापा अच्छा बहन भैया काऊ की नहीं। क्या नाम है आपका? मोहित समोसा। हमारी दुकान है सर भांडेर में, मोहित समोसा। मम्मी तक को, हमारी बहनों तक को बीच रोड पे मारे हैं। मोहित ऐसी क्या बात हो गई? कुछ नहीं सर, दुकान पे समोसे लेने आए थे, पहले मैं दे दो अपनी सर। नहीं रुक जाओ, थोड़ी भीड़ लगी है, एक मिनट में दे रहे हैं। एक पुलिस वाला आ रहा था, उसके बाद ये पूरा फोर्स आ गया। मारने लगा, बोले क्यों तुम्हारे ज्यादा दिमाग बढ़ गए, गाड़ियां लग जाती है, फिर गाड़ियों को बहाना ले लिया उन्होंने, बोले गाड़ियां रोड पे हटाओ गाड़ी। हमने सर माफ कर दो, गलती हो गई, ग्राहक लोग हटाते नहीं है। हम कौन कौन से ग्राहक से लड़े सर? रोड पे दुकान है हमारी, बस इतनी गलती है, 3 घंटे हमारी दुकान लगती है सर। हम लोग सर सिर्फ पाँव पकड़े रहे थे सर, लेकिन बहुत हमारे मम्मी और बहन तक को नहीं छोड़ा, बस हम इसीलिए यहाँ तक आए हैं सर। कौन दरोगा? कोई नाम पहचान का? दरोगा और सौरभ वाजपेयी और बहुत सारे पुलिस वाले थे। नहीं छोड़ा उन्होंने, जब पुलिस बहरहमी से मोहित और उसके परिवार को पीट रही थी उस वक्त विधायक संतराम सिरोनिया की आभार सभा चल रही थी। विधायक संतराम सिरोनिया को पुलिस की गुंडागर्दी की खबर लगने पर उन्होंने मंच से पुलिस कर्मियों की कड़ी निंदा की, साथ ही जांच की बात कहते हुए कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। मुझे मालूम चला है पुलिस के द्वारा एक हमारे मोहित लड़के को गलत बात पर उसको बहुत बेदर्दी बेहरमी से उसको पीटा है। मैं निश्चित रूप से पुलिस की इस मंच से भर्त्सना करता हूं कि वो इस तरह की रवैये खत्म कर दे, अन्यथा वो अपना स्थान यहां से कहीं चले जाए। ये बिल्कुल रवैया ठीक नहीं होगा कि इसकी मैं जांच कराऊंगा, इसमें जो भी दोषी होगा मैं उसको निश्चित रूप से दंडित कराऊंगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। चाहे वो दूसरी तरफ एएसपी मंजीत चावला ने माना कि भांडेर दरोगा ने मोहित और उसके परिवार के साथ ठीक नहीं किया। एएसपी मंजीत चावला ने पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए लोगों का मेडिकल कराते हुए एसडीओपी को मामले की जांच सौंपी है। ये कुछ लोग आए भांडेर से जिनका कहना है कि आज कुछ वहाँ जो एक सब इंस्पेक्टर है अजय अम्बे, उसने कुछ मिसबिहेव किया इनके साथ। चोट उनको कहना है कि माता जी की चोट भी लगी है, तो उनका मेडिकल हम करा देंगे अभी। और एस डी ओ पी दतिया को भी जांच दी है, अभी जैसी वो रिपोर्ट आती है कार्रवाई निश्चित करने। उनका कसूर इतना है कि उन्होंने समोसे पर लड़ाई हुई कि हमें समोसा चाहिए सबसे पहले, ये जांच का विषय है। नहीं नहीं बिल्कुल सभी बिंदुओं पर जांच होगी और उनका प्रथम उपचार करा रहे हैं उनका, उसके बाद सर्द हवाओं में ठिठुरते परिवार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं देखना होगा कि सरकार बदलने के बाद पुलिस का रवैया भी बदलता है या नहीं। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दिए साथ, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।